हेलो हाय नमस्कार दिस इज योर एजुकेटर रोही। आमे पछ क्लास रे देखिथिलु एटीपी सिंथेसिस को तीनटा प्रोसेस रे हेइ पारुछि आउ अनकपलर विषय रे भी किछि आमे आइडिया नै थिलु। आज सेइथु आमे कंटिन्यू करिबा। देखो अनकपलर रो रोल कोन, एडिशन ऑफ अनकपलर रिजल्ट इन कंटिन्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड प्रोटोन पंपिंग विदाउट जेनरेशन ऑफ एनी प्रोटोन ग्रेडिएंट। आमे पछ वीडियो रे आमे कौन देखी थिलु, आमे देखी थिलु जे जदि अनकपलर को ऐड करिबा, अनकपलर रो काम के सी इलेक्ट्रोकेमिकल जो ग्रेडिएंट तैयारी होची, जो चार्ज रो डिस्ट्रीब्यूशन होची ताकू से सेइथरे प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो सी करे कौन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हेबाक दिए, प्रोटोन रो पंपिंग भी हेबाक दिए, किंतु प्रोटोन रो ग्रेडिएंट जो तैयारी होता है सेइथरे से डिस्टर्ब करे। एटीपी सिंथेसिस डज नॉट अक्योर विदाउट अफेक्टिंग ऑप्टेक ऑफ ऑक्सीजन। एठी होउथिला कौन, एनएडीएच इलेक्ट्रॉन डोनेट करूथिला आ फाइनल एक्सेप्टर ओ2 थिला, ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर परिका काम करूथिला आफ्टर सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तापरे कौन, तापरे ही प्रोटॉन मोटिव फोर्स रु एटीपी सिंथेसिस होउथिला। तो अनकपलर करे कौन, सीए किछि भी अफेक्ट करेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किंबा ऑक्सीजन रो इलेक्ट्रॉन अपटेक को, खाली सीए एटीपी सिंथेसाइज हेबा को देइ नथे। जेंति कि एग्जांपल रे आमे देखिबा डीएनपी एफसीसीपी माने सबु हेले अनकपलर। देखो एफसीसीपी एग्जांपल रे गोटे एफिशिएंट माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलर, अदर एग्जांपल्स ऑफ अनकपलर किए सीसीपी डीएनपी सीसीसीपी माने हेले अनकपलर। अनकपलर काम केमती करे चलो टिके देखिबा, अनकपलर केमती तारो मेकानिज्म काम करिवार, तारो मेकानिज्म हेला इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडिएंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन FCCP will become protonated and thus pick up a proton on the positive side of the membrane. तुम्हें कौन देखुछ, इनर मेम्ब्रेन रे प्रोटोन रो जते बड़े इलेक्ट्रॉन रो ट्रांसफर चली थाए, इलेक्ट्रॉन रो कैच कैच खेल चली थाए, सेते बड़े प्रोटोन मूव करी थाए, गोटे साइड रु अन्य साइड को मूव करी थाए। तो हुए कौन, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड माने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एपटु मूव करके ये साइड को जाइछे, सेहिथि पे एपटे बेसी प्रोटॉन प्रेजेंट अछि H+ एपटे बेसी प्रेजेंट अछि, सेहिथि पे याको पॉजिटिव साइड को हाला एपटे नेगेटिव साइड को हाला कारण H+ कम अछि। तो जो साइड रे H+ बेसी अछि सेही साइड रु FCCP कोन करे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे आ सीए निजे प्रोटोनेटेड फॉर्म हे जाय। प्रोटोनेटेड फॉर्म हेला परे सीए सेई प्रोटोनेटेड फॉर्म हेला परे से मेम्ब्रेन को क्रॉस करिवो पॉजिटिव साइड रु नेगेटिव साइड को आसीबो, आ एठी आसीला परे से प्रोटोन को डोनेट करि देबो एठी आ पूणी से फेरी जिवो पॉजिटिव साइड को। ता माने कोन, सी एच प्लस को पॉजिटिव साइड रु कैच कला आ ताकु नेगेटिव साइड रे आनी की छाड़ी देला। जो पॉजिटिव नेगेटिव साइड प्रोटोन रो मूवमेंट रु क्रिएट हेथिला प्रोटोन मोटिव फोर्स पे, सेई पॉजिटिव नेगेटिव साइड सेई जो प्रोटोन मोटिव फोर्स को अनकपलर किंबा एफसीसी रो जो एग्जांपल देखुछ से कौन कला डिस्टर्ब कला, ऑब्वियसली डिस्टर्ब हबो, एपटे पॉजिटिव एपटे नेगेटिव हबा जरूरी अछि, गोटे साइड रे बेसी चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ गोटे साइड रे नेगेटिव चार्ज सेटा हबा जरूरी अछि प्रोटोन मोटिव फोर्स पे, किंतु एफसीसीपी कला कौन, सी जो आडू बेसी थिला से आडू आनी कि नेगेटिव आड को छाड़ देला। तो गोटे टाइम एमती भी आसीबो जोठी दी साइड रो चार्ज सेम रहिबो, किछि डिफरेंस ही रहिलानी, किछि मोटिव फोर्स ही रहिलानी, फोर्स कोठी जनरेट हबो जोठी डिफरेंस अछि, पोटेंशियल कोठी जनरेट हुए बैटरी हो कि अन्य किछो, पॉजिटिव नेगेटिव कोठी जनरेट होछि जोठी किछि चार्ज रो डिफरेंस अछि, किंतु एठी से चार्ज रो डिफरेंस ही रखिबा को देबोनी, सेहिथि पे से अनकपलर भड़िका काम करछि। अनकपलर रो मेकानिज्म ही एटा, देखो एफसीसीपी विल बिकम प्रोटोनेटेड को साइड रे पॉजिटिव साइड रे एंड दस पिकअप ए प्रोटोन ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, पॉजिटिव साइड रे गोटे प्रोटोन को पिकअप करिवो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द न्यूट्रल फॉर्म, आउ पिकअप कला परे सी मेम्ब्रेन को क्रॉस करिवो एंड लूज द प्रोटोन ऑन द नेगेटिव साइड, आउ नेगेटिव साइड को आसला परे प्रोटोन को डोनेट कर दबो। This is driven by the electrochemical proton gradient. In the negative form, FCCP will be driven back out across the membrane
बाय द मेम्ब्रेन पोटेंशियल आउ एठी से एच प्लस को डोनेट कर सारला परे से पुणी फेरी आसे द नेट रिजल्ट इज द मूवमेंट ऑफ वन प्रोटॉन फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव साइड आउ एठी होउची कोन एफसीसीपी रो मूवमेंट होउनी से तो जाई की फेरी आसुची मूवमेंट से कहारो करे दउची एच प्लस रो व्हिच रिजल्ट्स इन द डिसिपेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडिएंट आउ जो ग्रेडिएंट बा डिफरेंस थिला एपटे पॉजिटिव एपटे नेगेटिव से डिफरेंस को से कम कर दिए कारण एमती गोटे गोटे क्रॉस करैबा परे गोटे टाइम एमती भी आसीबो एपटे जेतकी एच प्लस थिबे एपटे सेतकी तो डिफरेंस ही नाही ना आ जोठी डिफरेंस नाही सेठी फोर्स काम करिवनी एंड द मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द मेम्ब्रेन व्हिच रिजल्ट इन द डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट ओ ई ग्रेडिएंट को से ब्रेक कर दिए द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड पाई ऑर्बिटल एठी तार बॉन्ड हिसाब रे से देखी देखो ए केमिओस्मोटिक थ्योरी केमिओस्मोटिक थ्योरी रे कौन कहा किए पीटर 1961 रे प्रपोज केमिओस्मोटिक थ्योरी नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इन 1978 आउ से केमिओस्मोटिक थ्योरी देले 1961 रे आउ तांकु या नोबेल प्राइज मिलला 1978 रे मेम्ब्रेन पोटेंशियल विथ हाई नेगेटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्जेस ऑपरेटिंग ऑन द ऑपोजिट सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन कैन जनरेट एनर्जी रिच बॉन्ड बिटवीन एडीपी एंड पीआई टू सिंथेसाइज एटीपी देखुच ए सब जहां भी तुम देखिलो प्रोटॉन मोटिव फोर्स थ्रू रू होची सब गोटे जिंस चारिआडे ही बुलुची एठी भी सेया ही कुहा होची पॉजिटिव आउ नेगेटिव चार्ज रो डिफरेंस क्रिएट हबो एटा ही हेल्प करिवो एनर्जी जनरेशन रे कोण एटीपी एडीपी सहित पीआई को जॉइन करैबारे से हेल्प करिवा ओ एटीपी रो सिंथेसाइज करैबो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिओस्मोसिस इज दैट आयन कंसंट्रेशन डिफरेंस आयन रो डिफरेंस रहउथिबो एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आउ कौन रहुथिबो जेहेतु आयन रो डिफरेंस रहिबो हेले आयन तो चार्ज होल्ड करिथांती ना तो आयन रो डिस्ट्रीब्यूशन रे डिफरेंस रहिले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंस रहिबो आउ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जोठी डिफरेंस रहिला सेठी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हबो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हबो एटा तमे तो प्लस टू प्लस थ्री रे भी ए जिनस गुडा पढ़ीथिबो जेतेबेले बैटरी किबा अन्य किसी विषय पढ़ुल इलेक्ट्रिक चैप्टर आर सोर्स ऑफ द फ्री एनर्जी दैट कैन बी यूटिलाइज बाय द सेल आई दुटा ही गोटे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आउ गोटे चार्ज रो डिफरेंस सॉरी आयन कंसंट्रेशन रो डिफरेंस ये दुटा डिफरेंस ही एटीपी सिंथेसाइज करने हेल्प करे इयरली एविडेंस सपोर्टिंग ए केमिओस्मोटिक मेकानिजम ऑफ फोटोसिंथेटिक एटीपी फॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय एंड्रे जैगेंड्रफ एंड को वर्कर सबुरु फास्ट ए आर आईडिया कोठु पाई थिले ये दे थिले चलो देखिबा से करी थिले कौन तांको एक्सपेरिमेंट टा कौन देखो एंड्रे एंड तांकर को वर्कर प्लेस्ड क्लोरोप्लास्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल्स इन द डार्कनेस देयर बाय एलिमिनेटिंग लाइट एब्जॉर्प्शन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस से कौन कले क्लोरोप्लास्ट रो एक्सट्राक्ट क्लोरोप्लास्ट को से कौन कले डार्क रे प्लेस कले देयर बाय एलिमिनेटिंग लाइट एब्जॉर्प्शन कौन पाई कि लाइट से माने एब्जॉर्ब करिवेनी एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करिवेनी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस कारण क्लोरोप्लास्ट रे कौन होतिला से लाइट एब्जॉर्ब करि सारला परे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होतिला लाइट एब्जॉर्ब करि सारिबा परे जो रिएक्शन सेंटर रे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होउथिला से इलेक्ट्रॉन ही मूव करूथिला तो से ताकु डार्क रे रखि देले क्लोरोप्लास्ट जो एक्सट्रैक्ट करिथिले लीफ रु ताकु डार्क रे रखिले कोन पई कारण से ना लाइट एब्जॉर्ब करिवो ना इलेक्ट्रॉन रो ट्रांसफर हबो इन द डार्क थायलाकॉइड्स वर फर्स्ट इनक्यूबेटेड इन ए मीडियम ऑफ पीएच 4 सबरु फास्ट से पीएच 4 रे इनक्यूबेट करैले से क्लोरोप्लास्ट को until both the exterior and interior of the vesicle had pH 4. Normally, thylakoid chloroplast ro pH thai 7. See, empty gote experiment setup kole jo au taku pH 4 re se place kore li.
से जो एक्सट्राक्टेड क्लोरोप्लास्ट थिला तांको पीएच 4 रे प्लेस करिले पीएच 4 वफर सॉल्यूशन रे से ताकू प्लेस करिले केते टाइम जाय जेते टाइम जाय कि डीटा रो पीएच सेम न होई जाय था सेते पर्यंत से ताकू सेठी प्लेस करिले देन द थायलाकोइड वेसिकल वेयर क्विकली ट्रांसफर टू ए मीडियम विथ पीएच 8 देन जेते बडे ए डीटा रो पीएच सेम हे गला बाहर रो सॉल्यूशन किबा बाहर मीडियम आउ थायलाकोइड कही पारो किंबा क्लोरोप्लास्ट जेते बडे पीएच सेम हे गला सेते बडे तुरंत शीघ्र ही ताकू प्लेस करेले आउ गोटे पीएच को जोटा थिला कि पीएच 8 एट दिस पॉइंट देयर वाज ए पीएच ग्रेडिएंट एबे कोन हैला एटी पीएच ग्रेडिएंट तयारी हैला कारण गोटे पीएच 4 रो गोटे पीएच 8 क्रिएट हैला क्रिएट हैला परे हैला कोन With the interior of thylakoid pH 4 having a higher S plus concentration than exterior, pH रो gradient केमती अच्छी? भीतर pH 4 अच्छी, किन्तु बाहर medium रे pH 8 अच्छी. When ADP was added, जेते बड़े ADP को add कोले एई time रे, ATP was made even in the dark. एई time रे जेते बड़े समाने ADP देले, सेते बड़े हेला कौन? ATP रो formation हेला. डार्क रे थाई की भी एटीपी रो फॉर्मेशन हैला दिस कन्विंसिंग एविडेंस लिंकिंग ए पीएच ग्रेडिएंट टू एटीपी सिंथेसिस एटा कोन लिंक कोला एटा लिंक कोला जे पीएच रो ग्रेडिएंट किबा एच प्लस आयन रो डिस्ट्रीब्यूशन थिबा एटीपी सिंथेसिस सहित लिंक अछि एटा से एक्सपेरिमेंट रो जणा पडिला देन देखो एटा थिला तांकर एक्सपेरिमेंट सबरु फास्ट से कोन कले लाइट रु दूर रे रखिले डार्क रे रखिले जो एक्सट्रैक्ट क्लोरो जो क्लोरोप्लास्ट को एक्सट्रैक्ट करिथिले हैला आउ सबरु फास्ट ताकु से माने पीएच 4 रे रखिले पीएच 4 रे रखिले सेते पर्यंत रखिले जेते बेडो जाय कि क्लोरोप्लास्ट रो पीएच 4 न हे जाय थौ जेते बडे पीएच 4 सहित तारो सेम हे गला क्लोरोप्लास्ट रो पीएच आउ जो मीडियम रे से नै थिले से मीडियम रो पीएच सेम हे गला बहुत शीघ्र सेठ उठै किना से माने आउ गोटे सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन रे रखिले जो जहार रो पीएच थिला 8 आउ ए टाइम रे से एडीपी रो एडिशन कले ए माने अछंती डार्क रे ए कंडि एई एक्सपेरिमेंट सेटअप हे छि डार्क रे बट हेले भी एटीपी रो सिंथेसिस हला एई एक्सपेरिमेंट देखैला कोन एटा देखेला एटा कंक्लूड कोला जे पीएच रो ग्रेडिएंट किंबा पीएच एच प्लस आयन रो कंसंट्रेशन मैटर करूची एटीपी सिंथेसिस द प्रोटॉन ग्रेडिएंट जनरेटेड बाय दिस मैनिपुलेशन प्रोवाइडेड ए ड्राइविंग फोर्स फॉर एटीपी सिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट जो पीएच रो डिफरेंस अछि पीएच कोन एच प्लस आयन रो कंसंट्रेशन ही तो पीएच जो पीएच रो डिफरेंस क्रिएट थिला ए ए ए फ्लास रे थर्ड नंबर फ्लास रे कोन होथिबो भीतर रो पीएच 4 अछि आ बाहर पीएच 8 अछि माने भीतर बेसी एच प्लस आयन कंसंट्रेशन अछि आ बाहर कम एच प्लस आयन कंसंट्रेशन अछि माने कंसंट्रेशन जो डिफरेंस क्रिएट कला एटा ही एटीपी सिंथेसिस को ड्राइव कला दिस एक्सपेरिमेंट वेरीफाइड ए प्रेडिक्शन ऑफ द केमिओस्मोटिक थ्योरी stating that a chemical potential across a membrane can provide energy for ATP synthesis eita kon evidence dela conclude kala ki chemical potential ro difference rahile se energy provide kari tha ATP synthesis ko hala then रैकर भी किसी एक्सपेरिमेंट करी थी रैकर कौन करी थी देखो रैकर एफ्रीम रैकर आइडेंटिफाइड एंड प्यूरिफाइड फैक्टर 1 द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एटीपी सिंथेज एंजाइम टू बी कैरेक्टराइज रैकर कौन करी थी जो एफ जीरो एफ वन कॉम्प्लेक्स थिला से एफ जीरो एफ वन कॉम्प्लेक्स रो एफ वन कॉम्प्लेक्स को से प्यूरीफाई करी थिले आइडेंटिफाई करी कि प्यूरीफाई करी थिले द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एटीपी सिंथेज एंजाइम टू बी कैरेक्टराइज आ एटा फर्स्ट पार्ट थिला एटीपी सिंथेज एंजाइम रो जोटा कि आइडेंटिफाई हेथिला और प्यूरीफाई हेथिला एफ1 इज ओनली द पार्ट ऑफ ए लार्जर एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स ये कहारो पार्ट थिला ये एटीपी सिंथेज रो पार्ट थिला
इट इज ए पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। आउ ये कौन पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन मु बतई थी प्रोटीन को को टाइप रो जदी मेम्ब्रेन सहित बाउंड अछि सेटा इंट्रीग्राल आउ जदी सी मेम्ब्रेन सहित बाउंड नाही साइड रे अछि हेले सी हेबो पेरिफेरल। पेरिफेरल दुटा टाइप रे कोटा इनर साइड अछि से हिसाब रे साइटोप्लाज्मिक हेबो आउटर साइड रे अछि हेले से आउटर हेबो। इट इज ए पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन अटैच्ड टू ए कंपोनेंट एफ जीरो जोटा कि अटैच था एफ जीरो कंपोनेंट सहित व्हिच इज इंटीग्रल टू द मेम्ब्रेन। आउ एफ जीरो गोटे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कारण सी जो मेम्ब्रेन अच्छी क्लोरोप्लास्ट कि माइटोकोंड्रिया से मेम्ब्रेन रे सी एम्बेड होकर थाए से बाइंड होकर थाए। रेकर वाज एबल टू कन्फर्म पीटर डी माइकल हाइपोथेसिस दैट कंट्रारी टू पॉपुलर ओपिनियन एटीपी सिंथेसिस वाज नॉट कपल टू रेस्पिरेशन थ्रू ए हाई एनर्जी इंटरमीडिएट बट इंस्टेड बाय ए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटोन ग्रेडिएंट। तांकर एक्सपेरिमेंट कौन थिला देखो केने प्रोटोन ग्रेडिएंट ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। रेकर एक्सपेरिमेंट कौन थिला पीटर माइकल्स हाइपोथेसिस दैट ए प्रोटोन ग्रेडिएंट कैन ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ एटीपी वाज प्रपोज बिफोर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सपोर्टेड इट एंड वाज देयरफॉर मेट विथ स्केप्टिसिज्म। इन द 1970s बायोकेमिस्ट एफ्रेम रेकर एंड हिज कोलाबोरेटर वेल्डर स्टेक्नियस टेस्टेड द हाइपोथेसिस। से जो या आगर पीटर माइकल जो हाइपोथेसिस देते कि प्रोटोन रो ग्रेडिएंट दरकार पीएच रो ग्रेडिएंट हवा कथा यही हाइपोथेसिस को रेकर आउ तांकर कोलाबोरेटर जी थिले सीए ताकू टेस्ट कले से कौन कले रेकर तांकर कोलाबोरेटर बिल्ट एन आर्टिफिशियल सिस्टम। से गोटे आर्टिफिशियल सिस्टम को बिल्ट कले कनसीस्टिंग ए मेम्ब्रेन जोटा कि मेम्ब्रेन कनसीस्ट करूला कारण मेम्ब्रेन बिना तो हो पारनी एटीपी सिंथेसिस। ए बैक्टेरियल प्रोटोन पंप एक्टिवेटेड बाय लाइट कौन करी बैक्टेरियल प्रोटोन पंप क्रिएट करे जोटा कि लाइट रु एक्टिवेट होता एंड एटीपी सिंथेज आउ एटीपी सिंथेसाइज करूला। दे मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोन इन द एक्सटर्नल मीडियम एंड अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस एंड आब्सेंस ऑफ लाइट। से माने कौन कले से गोटे आर्टिफिशियल बैक्टेरियल मेम्ब्रेन क्रिएट कले जोटी की से लाइट रे इलेक्ट्रॉन प्रोटोन रो पंपिंग होउथिबा एटीपी सिंथेसिस होउथिबा सेई मीडियम सिस्टम से क्रिएट कले आउ कले कौन कंसंट्रेशन चेक कले प्रोटोन रो आउटर साइड रे केते कंसंट्रेशन अछि केते कंसंट्रेशन रे केते एटीपी सिंथेसाइज होउछि लाइट रे आउ डार्क रे ए दुटा चेक कले तांकर रिजल्ट कोन आसीला इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोन इंक्रीज इनसाइड द वेसिकल सजेस्टिंग दैट प्रोटोन वेयर टेकन अप बाय द वेसिकल। जेते बेडे लाइट थाए सेते बेडे आउटर साइड रे प्रोटोन रो कंसंट्रेशन कमी जाए आउ इनर साइड रे बढ़ी जाए। द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटोन इंक्रीज इनसाइड द वेसिकल से जो आर्टिफिशियल सिस्टम से जो वेसिकल क्रिएट करथिले से इनर साइड रे प्रोटोन रो कंसंट्रेशन बढ़ी जाए सजेस्टिंग दैट द प्रोटोन वेयर टेकन अप बाय द वेसिकल प्रोटोन से टेक अप करी जाए से नहीं जाए। इन द डार्क कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोन रिटर्न टू द स्टार्टिंग लेवल एटीपी वाज जनरेटेड इन द लाइट बट नॉट इन द डार्क। आउ कौन हुए डार्क कंडीशन रे प्रोटोन रो कंसंट्रेशन सेती की ही थाए इनिशियल जति की थाए माने बाहर बेसी थाए लाइट रो कंडीशन रे जदी भीतर बेसी रहूची ता माने कोन से सिस्टम टा से नहीं जाऊची टेक अप करूची हाइड्रोजन को किंतु जते बेडा लाइट नाही डार्क कंडीशन रे बाहर बेसी हाइड्रोजन आयन मिलूची कारण से सिस्टम टा ताकू यूज करूनी ना आउ एटीपी जनरेटेड होउची लाइट रे किंतु डार्क रे नुहे। इंटरप्रिटेशन कौन हैला इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट द प्रोटोन पंप वाज एक्टिवेटेड इंटरप्रिट कौन कले जेते बेडे लाइट रो प्रेजेंस रहुची प्रोटोन पंप एक्टिवेट होउची एंड प्रोटोन वेयर पंप टू वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन आउ प्रोटोन पंप होउची गोटे साइड रु अन्य साइड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटोन ग्रेडिएंट। आउ कौन फॉर्म करुची प्रोटोन रो ग्रेडिएंट ग्रेडिएंट केमती भितरे बेसी एच प्लस हो जाउची बाहरे कम होउची द प्रोटोन ग्रेडिएंट। आउ कौन कंक्लूजन हैला कंक्लूजन है कि मेम्ब्रेन प्रोटोन ग्रेडिएंट एंड एटीपी सिंथेसर सफिशिएंट टू सिंथेसाइज एटीपी। आउ गोटे प्रोटोन ग्रेडिएंट रहिबा आउ एटीपी सिंथेज रो रहिबा सेती की ही सफिशिएंट कि
एटीपी सिंथेसाइज हबो दिस रिजल्ट प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर माइकल्स हाइपोथेसिस माइकल जो हाइपोथेसिस देथिले ताकू प्रूव करबा पई ए तांकर ए एक्सपेरिमेंट सफिशिएंट थिला देन बोर्स कन्फर्मेशनल मॉडल जो बाइंडिंग चेंज मॉडल हे थे सेटा कोन थिला देखो आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एटीपी सिंथेसाइज वाज एडवांस्ड बाय बोअर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजेलस हु प्रपोज द बाइंडिंग चेंज मेकानिजम फॉर कैटालिसिस बाय एफ एटीपेजेस फ्रॉम द डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द एटीपेज फंक्शंस ही प्रपोज दैट द बाइंडिंग चेंज मेकानिजम ऑफ एटीपी सिंथेसिस कंटेन्स थ्री इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स बोअर्स कौन कले ये गोटे कन्फर्मेशनल चेंज बाइंडिंग कन्फर्मेशनल चेंज मॉडल देले एमती गोटे मॉडल देले जोठी कि बाइंडिंग आउ कन्फर्मेशनल से चेंज रो तारो शेप चेंज रो कॉन्सेप्ट थिबो आउ सेठु एटीपी केमती सिंथेसाइज होउची सेई मॉडल देले से कोन देइथिले द मेजर एनर्जी रिक्वायरिंग स्टेप इज नॉट द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड पीआई बट द रिलीज ऑफ एटीपी फ्रॉम द एंजाइम से कौन कहिले एडीपी आउ पीआई रो कॉम्बिनेशन रे एटीपी फॉर्म हेबा सिंथेसाइज हेबा सेटा बेसी एनर्जी कंज्यूम करेनी एनर्जी बेसी कहाँ पाई दरकार एटीपी रो रिलीज हेबा पाई एंजाइम रु सबस्ट्रेट इज बाउंड एंड प्रोडक्ट्स आर रिलीज एट थ्री सेपरेट बट इंटरैक्टिंग कैटालाइटिक साइट से कौन कहिले तीनटा इंटरैक्टिंग माने तीनटा साइट अच्छी कैटालाइटिक साइट अच्छी कैटालाइटिक साइट माने सही साइट जो किसी प्रोसेस हो किसी वर्क चली थी ताकू ही कैटालाइटिक साइट कहा जाए देख से कहले कौन से कहले कि तीनटा से एंजाइम कॉम्प्लेक्स रे तीनटा कैटालाइटिक साइट अच्छी जोटा कि इंटराक्ट करुछंती बोथ तीन जन सहित एमती नहीं कि एका एका काम करछन इंटराक्शन रे काम करुछंती आउ होउची कौन से सबस्ट्रेट बाइंड करुछी आउ प्रोडक्ट रिलीज होउची कॉरेस्पोंडिंग टू द थ्री कैटालाइटिक सब यूनिट बीटा सब यूनिट इच कैटालाइटिक साइट कैन एक्जिस्ट इन वन ऑफ द थ्री कन्फर्मेशन आउ जो तीनटा कैटालाइटिक साइट अच्छी से तीनटा कन्फर्मेशन रे प्रेजेंट थाए तीनटा तार फॉर्म अच्छी माने तीनटा पोज कन्फर्मेशन माने कही पारो तीनटा पोज रे से प्रेजेंट अच्छी जो तुम्हें फोटो पे पोज दे था सेल्फी पे टाइट लूज और ओपन टाइट लूज और ओपन द बाइंडिंग चेंजेस आर कपल टू प्रोटोन ट्रांसपोर्टेड बाय रोटेशन ऑफ द गामा सब यूनिट जो बाइंडिंग हेई थाय आउ तार कन्फर्मेशन चेंज हेई थाय सेटा कहा सहित लिंक थाय प्रोटोन रो ट्रांसपोर्ट सहित आउ रोटेशन ऑफ गामा सब यूनिट रो रोटेशन सहित से कंबाइन थाय मन अछि गामा सब यूनिट कंबिन से जॉइनिंग रे थिला एफ जीरो कॉम्प्लेक्स सहित That is the flow of proton down their electrochemical gradient through the F0 complex causes the gamma subunit to rotate. जेते बड़े H plus ion move करू था है, तारे higher concentration रू lower concentration को through F0 complex रू सेते बड़े gamma subunit रो rotation ही था है. Gamma subunit rotation हेले, उपरे conformational change हब, beta रो. Rotation of the gamma subunit then brings about the conformational changes in the catalytic complex. So, jete bade se rotate hebo se sete bade conformational change koribo that allow the release of ATP from the enzyme. Jo je ki allow koribo ATP ko release koribare and the reaction is driven forward. Au reaction ko forward ko nei ki jibo. The reverse occurs when the enzyme function is an ATP driven proton pump. Au reverse bhi hei paribo. In this model, F1 subunit exists in three states, देखो, NO and open state, NO or open state, with very low affinity for the substrate and has no catalytic activity. एठ देखो, loose, open and tight. टाइट लू ओपन टाइट एंड लूज
लूज ओपन एंड टाइट तीन टा कन्फर्मेसन अच्छे से इच रोटेसन सहित यहीटा है गामा सब यूनिट जिते बड़े एफ जीरो रु क्रॉस करू थिबो एच प्लस से गामा को से रोटेट करेबो गामा रोटेट कला माने बीटा रो कन्फर्मेसनल चेंज हो थिबो कारण काटालाइटिक यूनिट तो बीटा ही ना आल्फा तो रेगुलेसन रे खाली अच्छे तो बीटा रो तीन टा स्टेट अच्छी तीन टा कन्फर्मेसन अच्छी तीन टा पोज अच्छी गोटे हला ओपन जोटा कि तार किसी काटालाइटिक एक्टिविटी नहीं आउ बहुत लो एफिनिटी अच्छी सबस्ट्रेट सहित सबस्ट्रेट माने किए एडीपी आउ पीआई जिते बड़े ओपन स्टेट रे थिबो सेते बड़े एडीपी आउ पीआई सहित से लूजली बाइंड करिबो देन ए लूज स्टेट विथ लो एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट एंड ऑल्सो नो काटालाइटिक एक्टिविटी देन सेकेंड जो लूज एठी भी से लूजली बाइंड करे बेसी टाइट बाइंड करि न थाए एंड ए टी और टाइट स्टेट विथ हाई एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट एंड विथ काटालाइटिक एक्टिविटी आउ टाइट स्टेट रे तारो हाई एफिनिटी थाए से हाई एफिनिटी सहित एडीपी आउ पीआई सहित बाइंड करिबा एटीपी रो सिंथेसाइज करिबो एटीपी सिंथेसाइज एंड साइट बिकम्स टाइट एठी लेखा है जी देखो रोटेशन ऑफ गामा सब यूनिट कॉजेस कन्फर्मेशनल चेंज एट काटालाइटिक साइट जो तीन टा काटालाइटिक साइट अच्छा ओ एल आउ टी फर्स्ट तो ओ रे बाइंड करिबो ओपन रे देन रोटेट कला गामा सब यूनिट भाव टिके रोटेट कला बेड़े से पहुंचिला कोठी लूज साइट पाखक ये भी से लूजली बाइंड कला देन आउ थे गामा सब यूनिट जिते बड़े रोटेट कला से पहुंचला टाइट कन्फर्मेसन से बहुत टाइटली बाइंड करिबा ओ एटीपी रो फॉर्मेशन करिबो सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द डिफरेंट ओपन साइट तापर सेटा गोटे राउंड कंप्लीट हला देन आउ गोटे सबस्ट्रेट एड हबो से बाइंड करिबो द एफ वन सब यूनिट कनसीस्ट अफ थ्री आल्फा एंड थ्री बीटा सब यूनिट एफ वन पाखे आगु भी तुम पढ़ी छो कि तीन टा आल्फा तीन टा बीटा सब यूनिट थाए व्हिच कैन साइकल बिटवीन द थ्री कन्फर्मेसन जोटा कि से साइकल रे चालू था तीन टा कन्फर्मेसन रे माने लूज ओपन टाइट एमती साइकल रे चली था एंड हेवे काटालाइटिक एक्टिविटी आउर काटालाइटिक एक्टिविटी अच्छी द कोलाप्स ऑफ द प्रोटोन ग्रेडिएंट कॉजेस द गामा सब यूनिट टू रोटेट लाइक ए क्रांसाफ्ट रिलेटिव टू द एफ वन सब यूनिट जिते बड़े गामा सब यूनिट रोटेसन होता है सेते बड़े एफ वन सब यूनिट भी रोटेसन होता है फोर्सिंग द बीटा सब यूनिट टू चेंज कन्फर्मेसन जिते बड़े एफ वन रोटेट करे सेते बड़े फोर्स करे बीटा सब यूनिट को तार कन्फर्मेसन चेंज करू टी टू द ओ एंड देन एल द गामा सब यूनिट डज नॉट अपीयर टू अंडरगो एनी सिग्निफिकेंट कन्फर्मेशनल चेंज ऑन एटीपी हाइड्रोलाइसिस एज एविडेंट बाय ट्राइटियम एक्सचेंज स्टडीज इन एमआईड आउ कौन देखाई गामा सब यूनिट रो किछि भी कन्फर्मेशनल चेंज हुए नहीं खाली जो कन्फर्मेशनल चेंज होता है सेटा बीटा अल्फा रो होता है देख बोयर कौन प्रपोज पैसेज ऑफ प्रोटोन थ्रू द चैनल ऑफ द बासाल यूनिट मेक्स द स्टॉक एंड हेड पीस स्पिन लाइक ए टॉप जस्ट एज ए फ्लो ऑफ वाटर मेक्स ए वाटर व्हील टर्न द टर्न साइकिल ईच ऑफ थ्री काटालाइटिक साइट ऑन द हेड पीस थ्रू सिक्वेंशियल कन्फर्मेशनल चेंजेस दैट पिक ऑफ एडीपी एंड फॉस्फेट कंबाइन देम एंड रिलीज द एटीपी प्रोडक्ट बोर कौन कले कन्फर्मेशनल मॉडल देले से कहिले कि जते बड़े एफ जी अच्छी दुटा कम्प्लेक्स एफ जीरो एफ वन एफ जीरो बाउंड अच्छी मेम्ब्रेन सहित एफ वन बाहर अच्छी जोटा कि तीन टा सब यूनिट रु तैयारी होती बीटार तीन टा और अल्फार तीन टा जते बड़े एफ जीरो रु एच प्लस मूव करुथिबो सेते बड़े तार जो तीन टा काटालाइटिक साइड अच्छे से रोटेट करिबा सहित तार कन्फर्मेशनल चेंज करिबा और एडीपी आउ फॉस्फेट को कंबाइन करके एटीपी प्रोड्यूस करिबो सेथिपाइन से नोबेल प्राइज पाइले वाकर कौन करथिले यूज एक्सट्रे डायफ्रैक्शन टू क्रिएट ए थ्री डायमेंशनल पिक्चर ऑफ द एटीपी सिंथेस वाकर कौन करथिले से एक्सरे डायफ्रैक्शन इमेज काढ़ीथिले कहारो एटीपी सिंथेस रो दैट क्लियरली वेरीफाइड बोअर्स मॉडल जोटा कि क्लियरली वेरीफाई कला बोअर जोटा कही जाइथिले बाय शोइंग द हेड इन डिफरेंट रोटेशनल पोजिशन कौन देखेले से एक्सरे डायफ्रैक्शन इमेज रे से जो डिफरेंट पोजिशन रो जो बीटा सब यूनिट डिफरेंट कन्फर्मेसन रो इमेज को से देखेले
जे एटीपी सिंथेसिस प्रोसीड जेते जेते एटीपी सिंथेसिस जेते आकु बढ़थिबो सेमती तार कन्फर्मेशन जो चेंज होथिबो से इमेज को से देखैले से भी नोबेल प्राइज पाइथिले। सो या सहित तुम्हारा एटीपी सिंथेसिस रोल ऑफ वन कपलर आउ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जो एटीपी सिंथेसिस सहित थिला से कंप्लीट हला आउ यूनिट 3 भी कंप्लीट हला। एबे आमे यूनिट 4 को जीवा। थैंक यू।